अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वलीद और इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि लैपटॉप में आप किसी भी फेसबुक पोस्ट को कैसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने बहुत सारी पोस्टें जो है वो लगा रखी हैं अपने फेसबुक अकाउंट में और आप चाहते हैं कि उनमें से किसी एक पोस्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं बट आपको नहीं पता कि यार लैपटॉप में कैसे फेसबुक पोस्ट को डिलीट किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पर देखें, जो सबसे पहली जो पोस्ट है जो मैंने पिन की हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक कोर्स की है, ठीक है, जो कि हमारा अदारा कोर्स करवाता है। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी हो तो आप जो है वो हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ यार ये पोस्ट जो है वो डिलीट की जाए, तो इसको डिलीट कैसे किया जा सकता है, तो इसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे देखें थ्री डॉट्स में है, थ्री डॉट्स का यहाँ पे निशान मौजूद है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मूव टू ट्रैश। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो पोस्ट है वो आपके अकाउंट से जो है वो डिलीट हो जाएगी और जो फेसबुक का जो ट्रैश बॉक्स होता है उसके अंदर ये पोस्ट जो है वो चली जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा ही होगा, तो बट मैं यहाँ पे नहीं करना चाह रहा, ठीक है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको समझ आ गई होगी कि कैसे जो है वो आप किसी भी फेसबुक पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद वलीद, आपसे इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।